दरवाजा खोल दें, दरवाजा खोल दें। कोई बंदा ना अंदर पीछे जाएगा। लेट आए इधर आने चंगी तरह बने ये तो किरण दा दे गुलाब दा भाई उधर दा ही जी बिल्कुल ऐसा है कि रोही की निशानदही पर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने सिरकियां मोहल्ला में कार्रवाई करते हुए सैकड़ों आटे के थैले, मुफ्त आटे के थैले जो बरामद कर लिए हैं। इस वक्त हमारे साथ मलक इरशाद साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे, मुफ्त आटे के थैले बरामद किए गए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मैं आपकी मीडिया टीम को शाबाश देना चाहता हूँ जिनकी मजबूरी पे, जिनकी निशानदही पे ये रेट कामयाब हुआ। सबसे पहले तो जैसे आपने मैसेज किया आईसी साहब की डायरेक्शन पे मैं इधर ही मौके पे पहुंचा तो इस घर का जो मालिक था वो फरार हो गया, उसका दरवाज़ा बंद था। तो फौरन ही मैंने सर से कॉल की अदरान साहब से, इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है पुलिस स्टेशन से, तो ये फौरन ही पहुंचे हैं। उसके बाद जब हम दरवाज़े खोला, ताला बाहर से खुला हुआ था, अंदर से भी ताला खुला हुआ था। तो तकरीबन 100 के करीब ठेले थे, ये जो सरकारी आटा था जो उधर चल रहा है स्टेडियम में, वहाँ से चुराया हुआ है, ये स्टॉक करके रखा हुआ है। 100 के करीब आटे के थैले यहाँ पर मौजूद थे जो बरामद किए गए हैं। इस वक्त SHO थाना सिटी चौधरी रिजवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस वाले से क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे, आटे के थैले बरामद हुए हैं, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी?
इंशाल्लाह जो कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेंगे इनको, और जो भी इधर से फरार हुए उनको भी इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार कर लेंगे इनको। जो भी कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई बनेगी उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और जो यहाँ से गिरफ्तार फरार होने में कामयाब हो गए हैं उनको भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हेलो।